Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Hamna Kachwar and you are watching Rukhsi's Cuisine. Rukhsi's Cuisine में हमारे आपके लिए लाए हैं एक और मजेदार और यूनिक डिश और इस डिश का नाम है चिकन मंगोलियन स्टर फ्राइज। चिकन मंगोलियन स्टर फ्राइज की रेसिपी सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो लेट्स गो टू माय मामास किचन और देखिए कैसे ये मजेदार और यूनिक डिश बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरहीन। आज हम रुक्सिस कुजीन में बहुत ही मजेदार चाइनीज डिश लेकर आए हैं जिसका नाम है चाइनीज मंगोलियन स्टर फ्राइड चिकन। तो वक्त जाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चिकन 1 kg बोनलेस लेकर इसको लंबाई की स्ट्रिप में काट लें। पिंक सॉल्ट या नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर 5 खाने की चम्मच ले लें, अंडा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का बड़ा चम्मच। सबसे पहले हम चिकन एक बाउल में ले लेंगे। अब हम इसमें चिकन पाउडर को ऐड करेंगे और सेसमे सीड ऑयल को भी इसमें ऐड कर लेंगे। पिंक सॉल्ट, आप सफेद नमक भी यूज कर लें, दोनों का फ्लेवर बिल्कुल सेम होता है। इसके बाद इसमें एग को भी ऐड करके मिक्स करें और इसके बाद 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर को चिकन में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। और 1 घंटे तक के लिए इसको अलग-अलग कवर करके रख दें। अब हम 1 घंटा मैरिनेशन के बाद एक डीप फ्राई ले लेंगे। इसमें हम 1/2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। इसमें तेल इसलिए मैं ज्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पर चिकन की स्ट्रिप्स को कढ़ाई में 1-1 करके डालते जाएंगे। इनको इकट्ठा मत डालिएगा वरना ये आपस में जुड़ जाएंगी और आपका चिकन भी आपस में जुड़ जाएगा। आपने इसको मुकम्मल तौर पर एहतियात के साथ अलग-अलग करके फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर फ्राई हो गया है और ये गल भी चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद हम बाकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। कुकिंग ऑयल हस्ब जरूरत, पानी हस्ब जरूरत, ग्रीन अनियन या हरा प्याज 6 से 7 अदद लेकर इनको 1.5 इंच काट लें। इसमें आपने ग्रीन पार्ट को और व्हाइट पार्ट को दोनों को एक ही साइज में काट लेना है। रेड अनियन 1 अदद लेकर इसको 1/2 मून की शक्ल में काट लें। हरी मिर्च 3 से 4 अदद लेकर इसको भी लंबाई में इसी तरह काट लें। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, वॉर्सटरशायर सॉस 3 चाय के चम्मच, अदरक की काशे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें और इसको बारीक लंबाई में इस तरह काट लें। शक्कर या ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्ब जरूरत, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चाइनीज चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन की जोए 5 से 6 अदद लेकर इनको भी लंबाई में काट लें। सफेद तिल 1 खाने का चम्मच या हस्ब जरूरत। अब हम फिर एक और कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल को शामिल करेंगे और इसमें अदरक की काशे ऐड कर देंगे और इसके बाद लहसुन की काशे भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन दोनों को फ्राई कर लेंगे। हमने इनको इतना ही फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आने लगे और ये गोल्डन ना हो। इस टाइम पर हम इसमें ग्रीन अनियन और रेड अनियन दोनों को शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद वॉर्सटरशायर सॉस, सोया सॉस, चाइनीज चिली सॉस इनको ऐड करके शक्कर, नमक,
काली मिर्चों को भी शामिल करेंगे। इसके बाद 2 खाने के चम्मच के बराबर इसमें सिर्फ पानी ऐड करना है और इसमें फ्राई किया हुआ चिकन भी ऐड करना है और मिक्स करके इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें। चाइनीज मंगोलियन स्ट्रेस फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट कर लें और इसके ऊपर सफेद तिल स्प्रेड करके इसकी गार्निशिंग कर लें और वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल चाइनीज डिश है। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई करें और मुझे आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। इसके साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे नई रेसिपी, नई डिश और नए जायके के साथ। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। व्यूअर्स, हमारी मजेदार टेस्टी डिश रेडी है, आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।